So, hey, what's up guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Abhi. So, आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो. वीडियो भी कह सकते हैं और एक और रिप्लाई आ गया सिद्धू मूसे वाले को. फिर से? रिप्लाई कौन सा था? टेप रिप्लाई. गगन दरोले. हाँ, गगन दरोली है ना. तो गगन दरोली भाई ने रिप्लाई किया सिद्धू मूसे वाले को और सिद्धू मूसे वाले के फैंस ने बहुत बजाई है. हमारे कमेंट्स में भी बजाई है, हमारी नहीं बजाई थी उसने. हमें भी बोला कि आप एंटी हो गए हो. सही बात है ना. किसी ने रिएक्शन नहीं किया, आपने किया. बहुत क्रिएटर्स ने रिएक्शन किया और हमें सजेशन आई थी. आप सभी ने सजेशन की थी और जैसे इसकी सजेशन आ रही है तीन चार दिनों से हम इग्नोर कर रहे थे. तो आज फिर फ्री थे तो मैंने अभी को कहा कि ये वाला देखते हैं यार कौन सा है. क्या गाने का नाम? खंत वर्सेस मूसा. खंत का मतलब होता है खुंखार. जोर से बोलते शायद खुंखार होता है. खुंखार वर्सेस मूसा ये होगा पक्का. खुंखार होता नहीं यार. खंत का यार जिसको पता है कमेंट पक्का जिसको पता है कमेंट करके बताना. मूसा बेचारे सिद्धू मूसे वाले को ना. और सिंगर का नाम है बब्बन वदाली. वदाली है ये तो. लखविंदर वदाली वाला आ गया. नाम तो बड़ा खतरनाक है भाई का. सो देखते हैं रिप्लाई आगे नाम. तो भाई का जो चैनल है जो मतलब सिंगर का नाम है भाई का उन्हीं के चैनल पे गाना है. तो वीडियो का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर गाना अच्छा लगता है. चैनल भी नया लगा नहीं पर नहीं सब्सक्राइबर देखे मैंने 17-18 सब्सक्राइबर थे. सो उसी हिसाब से क्या बता भाई पहले सिंगिंग करते हो कहाँ पे सब्सक्राइब कर लो. नहीं यार समझ बोलो करनौजला फैंस लोयल है करनौजला के लिए. सो अपा हम सुना गाना की गाने का नाम सी कंत वर्सेस मूसा गगन दरोली. यस गगन दरोली सारे ने ना कराती सी ना. हुण भाई दा सानू नहीं पता मकसद रिप्लाई करन दा की है ना. फेम लई है की है गगन दरोली दा तां अपने भरावां ने सारे कोई कह रहा था कि बब्बू मान दा सपोर्टर है. हाँ ये भी हाँ कई हाँ कमेंट में कहा था ना. कमेंट बब्बू मान का सपोर्टर है ये वाले भाई. तो उन्होंने तभी रिप्लाई किया हुआ. तो गाना सुनते हैं गाना कैसे है फिर करते हैं की बातें डिस्कस. देखते हैं ये वाला गाना कैसे है. सो करें स्टार्ट. चलो चलो हेडफोन लगा लेते हैं जरा क्लियर करके सुनते हैं करते हैं प्ले. चलो बब्बन वदाला. बब्बन वदाला हाँ वदाली नहीं है ये क्या लिखा है नोट आता जाएगा पढ़ना. पढ़ अच्छे करते हैं गाइस. नोट पर मेरे तो नोट आता है मेरे को पढ़ना. नोट ए एह वाला कोई भी आप दे चैनल ते ना ला सकता है पा सकता है. अच्छा वाह हम तो हैवी ड्राइवर हैं बेटे पंजाबी पढ़ ली. ए वाला कोई भी अपने चैनल ते पा सकता है. अच्छा भाई प्रमोशन कराना फ्री है ना. मेरे को भी सुना दो यार पंजाबी. सो पंजाबी में सही पढ़ी ना मैंने कमेंट करके जरूर दस्यो. मैनू 101% श्योर है मैं सही पढ़ी है. मेरे को भी पढ़ाओ. सो अगे सुनते यार भाई ने अपनी प्रमोशन कर दी आपे. चलो गल सुनो बीबा. अरशां तो फरशां ते सिटन लगिया दुनिया मिंट लाउंदी आ. नाले तेरी औकात दसां की आ शहर. सॉरी गाइस सॉरी सॉरी. अरशां तो फरशां ते सिटन लगिया दुनिया मिंट लाउंदी आ. नाले तेरी औकात दसां की आ शहर दी हवा दा रुख वेख. कदे तू साडे बाई नूं अपना प्यो बनाया ते हुणा सजरा प्रौणा बनाई फिरदी आ. कहनी आ ना हिक च वजो प्रौणे दे आ तेरे प्रौणे दी हिक च वजन लगे आ. इनू प्रौणा नहीं पिंडा च भंड कहिंदे आ भंड. ते भंड दा काम आ दुनिया नूं भंडणा. कदे चाचे मामियां नूं भंडी जाणा ते कदे सिंगरां नूं भंडी जाणा. मिर्च तां हुण लड़ूगी ओह वी रीज नाल. आ हुण कई भेडां फुफड़ नूं अपनी भूआ व्याहुण आउणगे कमेंटां च. अच्छा पेड़ मूस. हाँ मूसे को कहा और भंड भी उसको ही कहा क्योंकि भंड कह रहा है कि भंड का काम होता है बजाना. तो सीधा कि वह सिंगर नु बजा रहा है ते है ना अपने मामे चाचे मामे नु बजा चाचे मामिया के सिरा देने उठ गया है ना. तो दूजी गल है बब्बू मान की सपोर्ट की है भाई ने खुल गई सीधा कहता है कि किसी करण औजला की भी किया शायद. पर यह कह रहा है कि उसने तू अपना प्यो मानता सी अपना वड्डा भाई मानता सी करण नूं मानता सी. बब्बू मान के बारे आप सुने नहीं कि सिद्धू नूं मानता होगा. करण ते सिद्धू पहले इकट्ठे रहिंदे सी हो सकदा है ना. सो अगे सुन गया ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ. ਹੋ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਇਆ ਪੱਟੂ ਪਾਪੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੱਗਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਪਰੌਣੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਪੇਡਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਇੱਥੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲਏ ਪੇਡਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਇੱਥੇ ਵਹਿਮ
भाई कर रहा है बब्बू मान की सपोर्ट। दिड़पा में शो हुआ था लाइव शो सिद्धू मूसे वाले का, और बब्बू मान का तब मतलब ये चैलेंज लगाया था फैंस ने सभी ने कि सबसे ज्यादा देखते हैं मतलब गैदरिंग किसके क्राउड आता है किसके शो में, पर बब्बू मान तेन पता उस्ताद उस्ताद हो गया ना, तो बब्बू मान उत्थे शायद ज्यादा क्राउड होया सी मैनू सुनन च यह आया सी, तो कई कहते कि सिद्धू का ज्यादा होया सी, मैनू भी पूरा अज तक क्लियर नहीं है, पर बब्बू मान का मैं ज्यादा सुनया है कि बब्बू मान ज्यादा होया सी, ताही हां दस्सो सानू जरूर, ते ताही भाई ने कहा है कि दिन विच तेरा पणता सी है ना कुछ इधर लाइन गई भाई ने ना मुंडे ने जेड़े गड्डे होया पता नहीं लोकी फेम लैन लई भन्नण माना दा मुंडा लगे होया इस गल दा बाई मेनू ए गल थोड़ी अजीब लगी कि मतलब एक ता बाई ने कहा कि फेम लैन लई लोग बब्बू मान नू बुरा कह रहे हैं, पहली गल बब्बू मान नू कोई बुरा नहीं कहंदा, जे अगर सिद्धू मूसे वाले ने कहा भी होगा सानू नहीं पता कि मैं किथे नहीं सुना कोई रिप्लाई च, बस ये है कि अनफकवेबल गाना जे सिद्धू मूसे वाला उत्ते कह रहे कि बब्बू मान नू कहा, और यार सिद्धू कोल ऑलरेडी इन्नी फेम है उन्नू की जरूरत है फेम दी, उन्ने बब्बू मान नू की कहना, बब्बू मान दा दौर अलग सी अजीब होंगी यार अगर तुम किसी का ना लैके रिप्लाई करते जिदा हो गया गगन दरोली सिद्धू मूसे वाले का ना लैके फेम तुम लै रहे हो किसी का ना लैके हूं बब्बू मान का नाम लैके भाई फेम लै रहे हैं ना सानू तो इदा लग रहा है जे अगर असल चीज पता नहीं भाई की लड़ाई की है सिद्धू मूसे वाले समझ आ रहा है कि लड़ाई होगी जे इंटरनल मैटर होगा इन्होंने दोनों का पहले का आपस च वो सानू नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि भाई जायज रिप्लाई लै रहे हैं अगर होता है तो हम मानते हैं कि भाई जायज है रिप्लाई देने के लिए अगर सिद्धू मूसे वाले के साथ लड़ाई है अगर फेम के लिए ले रहा है तो फिर गलत है तो फिर हाँ। बब्बू मान की इंसल्ट वाली बात है सही बात उनको बीच में किसी ट्रा भी था मतलब और इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा सिर्फ बढ़ेगी बात सही बात है ना तो
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਖੰਤ ਵਰਸਸ ਮੂਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਖੰਤ ਕਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਗਾ ਖੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਲਕੂ ਖੰਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸਿਓ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ रिप्लाई वाली बात कि रिप्लाई देने का कोई तर्क या कोई मतलब नहीं है अगर आपकी असली में लड़ाई है तो हम मानते हैं कि आपका रिप्लाई जायज है पर अगर आप फेम लेने के लिए कर रहे हो भाई तो ये बेवकूफी है आपकी हम ये कहते हैं सॉरी भाई अगर आपको बुरा लगे इस चीज से ना बड़े बड़े आर्टिस्ट भाई का क्या नाम था सिंगर सिंगर बब्बन वदाला भाई है ना तो हाँ बब्बन वदाला भाई ना तो पर यार है नाम ये भी फर्स्ट टाइम सुना ना भाई का गाना तो भाई का यार अगर ये जितने भी रिप्लाई दे रहे हैं ये आर्टिस्ट भी सारे नए हैं हाँ सारे नए गजेंद्र अली भाई का अपना हमने पहली बार नाम सुना ना और मैंने मतलब एक चीज नोटिस की है बब्बू मान जी तो चलो लेजेंड है इंडस्ट्री के हर एक मानता है और ऐसा नहीं है किसी दूसरे वाले ने गाने नहीं सुने होंगे बब्बू मान के अपने बचपन में मित्रा की छतरी उन्होंने लगा के डांस किया होगा पक्की कनक उन्होंने भी लगा के डांस किया होगा सिद्धू मूसेवाले ने ना ऐसी बात नहीं है पर क्या बोलते बब्बू मान ने तो कदम कह नहीं यार सिद्धू मूसेवाले ने पूरा किसी ने रिप्लाई नहीं किया बब्बू मान ने ना क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने अगे बच्चे है उन्होंने अगे बहुत छोटे सिद्धू मूसेवाले को डायरेक्ट ही बोल देते हैं ऐसे बच्चा ये वो फिर सिद्धू वहां से भड़क जाते हैं सिद्धू को लगता है कि बब्बू ने कुछ रिप्लाई किया होया उन्होंने कुछ फिर वो ऐसे बोल देता है फ्लो फ्लो में गुस्सा ही जाता है बंदे को बार बार चढ़ाया ना तो उसी तरीके से सिद्धू भी बोल देता होगा कि ऐसे वैसे बब्बू मान को फिर वो अगे बीफ ऐसे से बढ़ती रहती है पर दिक्कत वही है कि पर दिक्कत वही है जो बीच में फायदा उठाने वाले सही बात है ना तो पर अगर भाई ने अगर तुसी भाई ने अगर मतलब अपने फेम लई हाँ यूज किया तां ते गलत लगे मैनूं बब्बू मान दा नां लगे अगर तुसी अपने तरफ तो रिप्लाई करते जिदा गगन त्रोली ने किया तां गल लग बणदी सी है ना तां चलो तुसी किया कि तुसी अपनी पढ़ा कड्ढी है पर इह बब्बू मान दा नां लगे थोड़ा अजीब लग्या मैनूं परसनली ते तुसी दस्सो तुहानूं किवें दा लग्या ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਚ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਗਗਨ ਦਰੋਲੀ ਹਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਅਬ ਗਗਨ ਦਰੋਲੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਗਗਨ ਦਰੋਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇ ਫੈਨ ਨੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇ ਫੈਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਸੇ ਫੇਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਵਾਂ ਪੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੇ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ